हेलो यार, फटाफट। हेलो 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 एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है? आ रहा है? रोना नहीं है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? फटाफट फटाफट ज्वाइन कर लो। चलो, हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? बढ़िया हो? बढ़िया तो नहीं होंगे यार, मोस्टली बढ़िया तो नहीं होंगे। फटाफट लाइव आ जाओ, लाइव 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 लाइव, ठीक है? पेपर खत्म हो गया है। मैं यार सेंटर पे गया था, सेंटर पे जाके आया हूँ। फटाफट से पेपर देखा, एनालाइज किया, 2 घंटे से आंसर था पेपर का पूरा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है? और पेपर का लेवल पहले बात करूंगा। सबसे पहले सब लोग आ जाओ, देन आई विल डिस्कस अबाउट पेपर का लेवल, और उसके बाद की बायो की कंप्लीट आंसर की। तो सबको मेरे साथ चेक करनी है एक बार, अच्छे से बैठ के बहुत फास्ट करेंगे, ठीक है? बहुत फास्ट करेंगे। और जितने मैंने क्वेश्चन करवाए थे स्टार्टिंग पूरे साल में, उससे बहुत क्वेश्चन, 95% क्वेश्चन रिपीट हुए। फटाफट यूट्यूब पर लाइव आ गए हैं, लाइव आ गए, फटाफट से, ठीक है? ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से मेरी बात सुनो। हाँ, वेरी गुड विनोद, 385 बायो में, 128 फिजिक्स में। देखो फिजिक्स बहुत इजी आ रहे थे। देखो यार, पेपर का लेवल वही रह रहा है, ओवरऑल जो पेपर है, ठीक है? अगर मैं आपको फ्रैंकली कहूँ, ओवरऑल पेपर 21 से इजी था, 20 से थोड़ा सा डिफिकल्ट आप मान सकते हो, थोड़ा स्लाइटली लेंथी था, बट इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट, ठीक है? सबसे इंपोर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, पेपर का जो लेवल था, ध्यान सुनना, पेपर का जो लेवल था वो था इजी टू मॉडरेट के बीच में, ठीक है? इजी टू मॉडरेट के बीच में पेपर का लेवल था। तो ये कोई नहीं था पेपर डिफिकल्ट था। बायो के क्वेश्चन लेंथी जरूर थे, बायो क्वेश्चंस लेंथी जरूर थे, बट दे वर नॉट डिफिकल्ट, ठीक है? बायो क्वेश्चंस लेंथी जरूर थे, लेकिन वो डिफिकल्ट भैया नहीं थे। सबको ये चीज क्लियर है? एवरीवन एवरीवन, हाँ, ठीक है? इसके बाद जो बायो का था उतना एनसीईआरटी बेस्ड आएगा, 100% एनसीईआरटी बेस्ड आया। बायो में बस एक चीज गलत हुई, गलत मतलब जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है? पेपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पर ज्यादा बेस्ड था, लाइक जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दिया। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमने एक्सपेक्ट किए थे पूरे पास कर पाएंगे, बट ये 15 के आसपास चले गए। बट अगर आपने टाइम, ठीक है, 15 मिनट असेसमेंट नहीं थे, स्टेटमेंट बेस्ड थे, समझते हो? डिफरेंस होता है। बायो कंप्लीटली एनसीईआरटी में से था, 100% एनसीईआरटी था बायोलॉजी, ठीक है? और हमने पूरे साल में जितने क्वेश्चन किए थे, 100% क्वेश्चन उसी में से आए हैं, 100% क्वेश्चन। सेकंड, हमने कल 300 क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है? 300 क्वेश्चन करवाए थे और मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे। उन 300 क्वेश्चन में से अगर आप देखोगे, उन टॉपिक्स मैंने बताए थे क्लास करते वक्त, जिसने वो 3 घंटे की क्लास की होगी, बहुत सारे क्वेश्चन उसके रिपीट हुए मिलेंगे इसमें से, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हुए मिलेंगे। अब ये चीज हो गई फिजिक्स में। यार ये एक सवाल अभी पता लगा है मुझे कि ये सवाल आपका गलत है, ठीक है? अभी पता लगा है मुझे, तो इस पे आपको बोनस मिलेगा। फिजिक्स का एक सवाल है मोनोक्रोमेटिक लाइट वाला, ठीक है? लेट्स सी और क्या क्या चीजें यहाँ पे आती है फिजिक्स निकल के। मैंने अभी फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्व नहीं किया, बट फिजिक्स देखो, ये मैंने बताया था, ये बताया था, सब सवाल बताए हुए आए हुए हैं एग्जैक्टली, ठीक है? एग्जैक्टली जो मैंने कहा था, सेंटर ऑफ मास, मैंने ये एग्जैक्ट सवाल करवाया था। जिसको पता ना हो तो सेंटर ऑफ मास पे मैंने ये एग्जैक्ट सवाल करवाया था, करवाया था या नहीं करवाया था, पर एग्जैक्ट सेम सवाल नीट में आया है, एग्जैक्ट सेम सवाल, ठीक है? ये मैंने कहा था कि रट लो, मैंने आपको बताया भी था ये, राइट? मैंने कल रात को बोला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, वो पढ़ लेना, ठीक है? हाँ, बायो पे रॉन्ग क्वेश्चन क्या है उस पर आ रहा हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये मैंने बताया था, करवाया हुआ सब सेम सवाल है, ये सेम सवाल मैंने करवाया है PYQ में, सेम PYQ था ये, सेम सवाल करवाया था मैंने ग्राफ का। सबको ये चीज क्लियर है, ठीक है?
तो फिजिक्स पेपर वाज वेरी इजी। ठीक है, कोई क्या पूछा रहता है टाइम टाइम से फॉर्मूला, जो लोग बोल रहे थे ना भैया आप कुछ भी बोल रहे हो, ये इतने ही सवाल नहीं आएंगे। ठीक है, बहुत लोग कह रहे थे कि भैया आप क्या ही कर रहे हो, ये सब सवाल थोड़ी आते हैं कि इसमें। ठीक है, 568 मिलेगा, मिलेगा आराम से, कर्नाटक में मिल जाएगा। ठीक है, बट पेपर देख पा लो फिजिक्स का कितना आसान पेपर आया था, ये सारे सवाल एज इट इज उठ के आए, यार एज इट इज मैं देख के टिक मार सकता हूँ, देख के टिक। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन बताए थे यार पूरा साल भर अगर हमने सही से गाइडेंस पढ़ा होता तो आ जाता। ठीक है, जो हो गया वो हो गया, हम लोग अभी एनालाइज करते हैं चीजों को। ठीक है, हम चीजों को एनालाइज करते हैं और हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर कितने बच्चे ऐसे हैं यार जिनका सिलेक्शन हो रहा है, जिनका सिलेक्शन हो रहा है। फ्रेंकली बताओ, कोई यार दुख दर्द की बात नहीं है इसमें। ठीक है, हमने अपने एफर्ट डाले, हमने एग्जाम दे है, अब रिजल्ट जो आएगा वो देखेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखो लॉजिक गेट कहा था, सेम क्वेश्चन करवाया था मैंने, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन लॉजिक गेट में मैंने कहा था सिग्निफिकेंट डिजिट में पक्का क्वेश्चन आएगा, पक्का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और ये सब सवाल याद करवा रखे थे मैंने, ये देखो मीडिया वाला क्रिटिकल आइटम मैंने कहा था आएगा। तो हमें यार चीजें ध्यान से पढ़नी होती है बस। ठीक है, एग्जाम फोड़ दिया हमने, आज 689 मार्क्स आए, क्या स्कोर है, ब्रेक डाउन क्या क्या है, 689 में फटाफट से बताओ। ठीक है, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दो फटाफट। और अभी अपन लोग यहाँ पे बायोलॉजी करने वाले हैं डिस्कस, सबको पेपर खोल लेना फटाफट से, सबको पेपर खोल लेना है फटाफट, और मैं बहुत फास्ट आंसर बताऊंगा, टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, बहुत फास्ट आंसर बताने जा रहा हूँ, फटाफट खोल दो पेपर। ठीक है, आंसर की तरह फटाफट फटाफट बायोलॉजी खोल लो, बायोलॉजी खोल लो फटाफट। बोर्ड सबको विजिबल है अभी जितना है, एटलीस्ट थोड़ा लाइटिंग का इशू है बट स्टिल। हाँ देखो पहला सवाल है, ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में कभी नहीं होता, कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, माइटोटिक में। मैंने ये कहा था यार कि माइटोटिक मियोसिस जो पढ़ाया चैप्टर में ने, ये आपको चीज बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पर बताया था आपको कि माइटोसिस में पेयरिंग कहाँ होती है, तो इसका आंसर हो गया डी, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इसमें नहीं होता, जिसने ये किया उसको नंबर मिल गया, डायरेक्टली एनसीईआरटी में सवाल था, इजी कैटेगरी का सवाल था, नेवर ऑकर, सबने राइट किया फर्स्ट सवाल, सबने राइट किया है, ये पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम से इसका आंसर है, जो हमें मियोसिस में प्रोफेज वन में देखने मिलता है, यहाँ पे देखने नहीं मिलता, सबने किया, ग्रेट। सेकेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैनॉट बी कनेक्टेड टू प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन को लेके करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा भैया, आंसर देगा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नेगेटिव नहीं। मैंने आपके कल रात को टेलीग्राम पे मैसेज किया था कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन को एक बार रिवाइज कर लो प्लीज, और पॉपुलेशन इंटरेक्शन से दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन, ठीक है, सेम पैटर्न के जो मैंने करवाए थे। तो यहाँ पे प्रिडिक्शन क्या होता है, प्लस माइनस, दोनों माइनस प्लस नहीं होता, तो आंसर विल बी डी, आंसर विल बी डी, पेपर रिजल्ट दो तक कोई दिक्कत नहीं है। डज नॉट शो प्लास्टिसिटी, हमने पढ़ा था ये क्वेश्चन, ने करवाया था 10 बार, कॉटन, कोरिएंडर, लास्पर एंड एक अलग सा एग्जांपल है बटरकप, बटरकप शो करता है एनवायरमेंटल हेटरोफिली, इसका आंसर देगा मेज, क्लियर कट एनसीईआरटी में दे रखा है जो मैंने करवा भी रखा है। थर्ड क्वेश्चन, ये भी इजी लेवल हो गया, ये भी इजी लेवल हो गया, ये तीनों क्वेश्चन इजी लेवल डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड, कोई इसमें एक्स्ट्रा कांसेप्ट नहीं लगा था, 103 तक पहुंच गए, 104 में आते हैं जाइगोमॉर्फिक टावर, मैंने आपको डायरेक्ट रटवाया था, एक ही मैंने आपको ये चीज रटवाई हुई है, एक ही फैमिली जाइगोमॉर्फिक थी, वो थी फैमिली थी फैमिली, ठीक है, मस्टर्ड फैमिली एक्टिनोमॉर्फिक होती है, रेडियस सिमेट्री, तो ये गलत, ठीक है, दतुरा और चिली ये दोनों सोलिड थी फैमिली के हैं, अब ऐसे भी कर सकते थे, तो ये दोनों गलत। ठीक है, आंसर हो गया बी एंड सी, तो बी एंड सी से आपका निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर 3, बी एंड सी, केशिया एंड गुलमोहर, और डायरेक्टली एनसीईआरटी के अंदर स्टेटमेंट भी है, मैंने कहा था ऐसे सवाल को आप लास्ट टाइम रिवाइज करना होता है, इन एग्जांपल को जिसने रिवाइज नहीं किया वो हार गए इस सवाल में। ठीक है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस ड्यूरिंग केमियोस्मोसिस, मैंने जब तो केमियोस्मोसिस पढ़ाया था तब मैंने कहा था कि केमियोस्मोसिस में प्रोटॉन का ब्रेकडाउन होता है, प्रोटॉन के ग्रेडियंट का, इलेक्ट्रॉन के ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन नहीं होता, तो ऑप्शन इज 3, There is no breakdown of electron gradient. ठीक है, clear? 105 सवाल तक आ गए, sorry, 105 सवाल तक आ गए, electron का breakdown नहीं होता, जैसे like नहीं किया like कर दो। ठीक है,
गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असम्पशन, अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असम्पशन दे रखा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डीएनए एम्प्लीफिकेशन में यूज होता है, एग्जाम से एम्प्लीफाइंग रेजिस्टेंट जीन इज यूज्ड एज सेलेक्टिव मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट एनसीईआरटी के हैं, बट यहाँ पे ये आप कह सकते हो ये इजी था, ये इजी था, ठीक है, बट अपने पास ये जो था, अरे देखे हो गया, ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन कह सकते हो, मीडियम लेवल का, ठीक है, इसमें दो स्टेटमेंट सही है बट रीजन नहीं है, रीजन नहीं है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दोनों स्टेटमेंट सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, ग्रेट। चलो 106 सवाल हो गए, 107 सवाल नीट 2019 में आया, नीट 2020 में आया ऐसा ही सवाल, और ऐसे 10 सवाल मैंने करवाए आपको, ठीक है, 10 सवाल मैंने करवाए थे हैबिटेट ऑफ फ्रेगमेंटेशन ओवर एक्सप्लॉयटेशन के लिए, इन्वेशन को एक्सटेंशन, ये चारों आते हैं एविल क्वार्टेट के अंदर, क्वार्टेट बोल लो जो बोलना है बोल लो, ठीक है, मेजर कॉज होता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, पर ये चारों कॉजेस है बायोडायवर्सिटी लॉसेस के। इजी क्वेश्चन, अभी तक 8 क्वेश्चन किए, 7 क्वेश्चन किए, 7 में से एक ही क्वेश्चन जो है अपना डिफिकल्ट मीडियम लेवल का है, बाकी सारे इजी लेवल के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्टेटमेंट बहुत दिख रहा है बट स्टिल कोई दिक्कत नहीं करेंगे। देखो यार क्वेश्चन कैसा भी है तो एनसीईआरटी से है, तो जहां से पढ़ा वहीं से। देखो गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, ठीक है, देखो यार बायो में टाइम लगा होगा, आई एग्री बायो में आपको 75 मिनट लगे होंगे, 80 मिनट लगे होंगे, बट फिजिक्स देखो ना कितनी इजी थी, फिजिक्स यार जो एक्सपेक्टेड था उससे काफी इजी थी, लोग यही चाहते हैं ना कि फिजिक्स इजी है भैया, बायो किसी भी आ चलेगी, ठीक है, बस बायो एनसीईआरटी से हो तो वही हुआ, ठीक है, फिर भी नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं। चलो प्राइमरी सीओ टू एक्सेप्ट करेंगे, सीओ प्लांट इज पोस्टपोनल पायरोपेट, सही, और ये मिसोफाइल सिलेंडर कल रात को टेलीग्राम पे मैसेज किया था सी फोर को पढ़ के जाना, ठीक है, और क्वेश्चन आया मिसोफाइल से तो सी फोर प्लांट लैक्स बिस्कोइन में, एकदम सही, स्टेटमेंट वन एंड टू बोथ आर करेक्ट, बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, ये भी इजी लेवल का क्वेश्चन हो गया। आईआईटी वाले इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कल रात को टेलीग्राम पे एक मैसेज आ रहा था, पक्का क्वेश्चन आएगा पॉलिनेशन के ऊपर, और पॉलिनेशन से क्वेश्चन आया, पॉलिनेशन से क्वेश्चन पक्के से आएगा और पक्के से आया, ठीक है, क्या क्वेश्चन था, इनकरेक्ट क्या है, मॉथ इन बटरफ्लाई मोस्ट डोमिनेंट। अब वापस बैक टू लाइव है, थोड़ा सा इंटरनेट इश्यू आ गया था, ठीक है, चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, डन। तो पढ़ाया था एल्जिन जो है वो मिलता है ब्राउन अल्गी से, कैरेटिन जो है वो मिलता है रेड अल्गी से, अपीयरेंस ये भी इजी लेवल का हो गया, ये भी इजी लेवल का हो गया, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टराइजेशन, मतलब बताया था, ये सब क्वेश्चन पढ़ोगे समझ में आएगा कि यार सारे ऑप्शन होने चाहिए, मेरे ख्याल से इनमें सारे ऑप्शन सही होने चाहिए, शायद सबके इसमें मिसप्रिंट है ये पता नहीं, ठीक है, फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन में क्या इशू है, इस क्वेश्चन में क्या इशू है, मेरे ख्याल से आंसर यार ए रूट डायनेमिक फ्लो में वेस्टर्न बंडल का एरिया इन 100 मैनर रेडियल होता है, एकदम सही, कंजॉइंट क्लोज वेस्टर्न बंडल्स, क्लोज से तो कैम्बियम नहीं होगा राइट, ओपन वेस्टर्न बंडल्स कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन, बिल्कुल सही, नॉट सो कैम्बियम, ओके, द वेस्टर्न बंडल डाइकोट स्टेम प्रोसेस इज एंडा एंड स्टेम बोला तो एंडा प्रोटोजाइलम, ग्रेट, बढ़िया, फिर मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, ठीक है, यूजुअली देयर आर मोर देन 6 फाइलम बंडल्स, एकदम सही, मेरे ख्याल से तो सारे सही होने चाहिए, तो ये अपन रखते हैं होल्ड ऑन, ठीक है, 2014 में शायद एनटीए कुछ चेंज करे, लैग था अब सही हो गया, ठीक है, चलो कौन सा यहाँ पे इनकरेक्टली मैं आपसे पढ़ाया था मैंने अच्छे से, यूलोथ्रिक्स ग्रीन लगी है, मैनिटॉल नहीं होता, मैनिटॉल ब्राउन लगी में होता है, तो ऑप्शन सी, ठीक है, 2016 में डायरेक्ट क्वेश्चन था लेस देन 7% एनर्जी रिलीज होती है, इट इज जस्ट 2 एटीपी, जो एक्सपेक्टेड था 38 में से बस 2 रिलीज हुआ, मतलब इसका रेशियो देख लो आप यार लगभग 5-6% के आसपास एनर्जी, ठीक है, लेस देन 7%, एक्सो टाइप ऑफ थे डिफरेंट डायरेक्ट क्वेश्चन, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर सारे इजी, अभी तक एक ही क्वेश्चन मीडियम लेवल का था यार, ठीक है, एक ही क्वेश्चन मीडियम लेवल का था,
व्हाट इज द नेट इनफ एटीपी व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज व्हेन देयर आर एट ग्लूकोज कन्वर्ट होता है दो मॉलिक्यूल्स पाइरूविक एसिड में, तब जो नेट गेन होता है वो होता है 2 ATP का। टोटल हमें 4 मिलते हैं वैसे, बट जो नेट होता है वो 2 ATP का ही होता है, राइट। इस पेज पे सारे क्वेश्चन कर लिए अपन ने, ठीक है, प्रॉपरली। एक भी क्वेश्चन इस पेज पे डिफिकल्ट नहीं था, तो ये इजी, राइट। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, 119 को फटाफट करें, टाइम वेस्ट ना हो आपका इस वजह से, ठीक है। ये 10 बार करवाया हुआ क्वेश्चन सब ने करवाया होगा, फ्रंट जे करवाता है। मैंगनीज, मैग्नीशियम, बोरॉन, आयरन, आयरन पता है आपको, कैटलेस को एक्टिवेट कराते हैं, तो डी का वन यही से आंसर मिलेगा, ठीक है। कर लो, मैग्नीज जो होता है वो होता है एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। मैग्नीज हो रही यहाँ पे होगा, ठीक है, मैग्नीज बोल रहा है, मैग्नीशियम होगा एक्टिव ऑफ एंजाइम्स ऑफ रेस्पिरेशन, तो बी का 3, ए का 4 मिल गया आंसर। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, ये इजी लेवल का डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं कहां पे तक कर लूं। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन था 2015 में, एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट है 2015 का, ये इजी क्वेश्चन है। फूड शेफ फ्लोएम का फंक्शन देखने के लिए ये होता है, हाँ बोलो सारा क्या हुआ, में होने की पॉसिबिलिटी हाई है, ठीक है, में होने की पॉसिबिलिटी है। जो फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड, मैंने आपको इसकी ट्रिक सिखाई हुई थी, ये क्वेश्चन एकदम इजी लेवल का है। एक्स सी टू कौन कौन से है पता है सबको, इन सी टू कौन कौन से होते हैं उसकी ट्रिक थी। एचपी न्यूज, हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सैक्रेड ग्रूव्स। नेशनल पार्क का अंतर क्या है, नेशनल पार्क, ठीक है, आंसर निकल के आएगा। यहाँ पे दो स्टेटमेंट अपने को दे रखे हैं, डीकंपोजिशन द प्रोसेस इन व्हिच डेट्रिटस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस द माइक्रोब्स, एकदम सही स्टेटमेंट है। डेट्रिटस डीकंपोजिशन इज फास्टर, डेट्रिटस इज लिग्निन एंड कैटिन, नहीं ये कुछ हेवी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, अगर ये होंगे तो दिक्कत आएगी। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, अरे ऑप्शन नंबर 3 भी 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, राइट, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स। यूक्रोमैटिन इज अ लूजली पैक्ड क्रोमैटिन, एकदम सही। हेटरोक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शन इनएक्टिव होता है, यहां पे एक्टिव रखा तो ये गलत। हिस्टोनोक्टमर इज रेड बट नेगेटिव, एकदम सही ये गलत। पूछा गया है करेक्ट आंसर, तो ए सी डी, ए सी डी राइट। चलो इधर ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से था, बट मैं इसको मीडियम लेवल दोनों बहुत होगा याद नहीं होगा, तो यहां पे तुम इसको इजी टू मीडियम लेवल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। चलो आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। लीफलेट्स, लीफलेट बोलते ही खत्म, यहाँ पे स्टेम होता है, ठीक है। थॉर्न्स जो होते हैं वो स्टेम से बनते हैं, लीफ से पाइन बनते हैं, तो ये गलत हो गया। एक्सिलरी पार्ट से ये एकदम सही, स्टेम से लेटर एकदम सही, डायसोफोरा वाला स्टेटमेंट एकदम सही, और ये भी एकदम सही, तो मेरे ख्याल से बी से डी ही होना चाहिए, राइट। चलो ये ब्रांड के एनसीईआरटी से इजी क्वेश्चन है, जो फॉर्मिंग प्रोड्यूसर्स नाइट्रोजन फिक्सिंग मॉड्यूल्स और एलनस। 10 बार कराया था मैंने क्वेश्चन, मैं कहा था जब एलनस आएगा तुरंत मार्क कर देना, ठीक है, क्या मार्क कर देना, फ्रैंकिया, तुरंत क्या मार्क कर देना, फ्रैंकिया। जो फॉलोइंग प्लांट शोस वैक्सिलरी एक्शन, मैंने जैसे ही कहा था कि वैक्सिलरी वर्ड दिखेगा, ठीक है, मतलब 1+2+2 आंसर होगा पी प्लांट, पाइसिस टाइम्स, फैमिली से फैमिली, आंसर होगा पाइसिस टाइम्स, फैमिली से फैमिली पी प्लांट, ठीक है। अभी तक बस एक ही क्वेश्चन मिला है मीडियम लेवल का, अब यहाँ पे थोड़ा लोगों को परेशान किया है क्वेश्चन, बट दोनों स्टेटमेंट सही है, इसमें डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, फिर भी इसको अपन मीडियम लेवल बोल देंगे, तो स्टेटमेंट 1 और 2 बोथ आर करेक्ट, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर, इस पर आप कह सकते हो कंफ्यूजिंग था, तो ये मीडियम लेवल, ठीक है, पढ़ाया हुआ आपको मैंने। जब भी होता है ट्रांसलेशन तो पहले होता है एक्टिवेशन, फिर जुड़ता है स्मॉलर सब यूनिट से और फिर लार्जर सब यूनिट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये तो सही था, tRNA is activated, but ये गलत है कि larger subunit, subunit जो पहले आता है वो आता है smaller subunit, ठीक है, कौन सा आता है smaller subunit, तो इसको ऐसे ही बहुत tricky question था। Divide in which particulate matter, मैंने आपको एक दिन पहले ये question करवाया था कि particulate matter निकालना है, लगभग 99% particulate matter,
वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट, राइट। आगे बढ़ेंगे, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड काइटिन से बना होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, इजी इजी। अभी तक दो क्वेश्चन तो मिला है मीडियम लेवल के, राइट, दो या तीन बोल लो, तीन क्वेश्चन मिले हैं मीडियम लेवल, बाकी सब इजी है। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, जेनेटिक मैपिंग भी होता है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे डायरेक्ट लाइन नहीं है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, मैंने कहा था पक्का क्वेश्चन आएगा हार्डवुड और उसके ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर भैया, हार्डवुड एंड सैपवुड के ऊपर और स्प्रिंग वुड और कॉटनवुड पे पक्का क्वेश्चन आएगा, पक्के दोनों क्वेश्चन है, पक्का दोनों क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर, देख लो फटाफट। एकदम सही, आउटर लेयर नहीं होता, तो ए एंड बी सही है। ऑप्शन टू, इस केस में ए एंड बी सही है, इसको तुम मीडियम लेवल का बोल सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत है इसके, बट यहाँ पे दो ही ऑप्शन दिए, तो डिफिकल्ट नहीं था ए एंड बी को पहचानना, डिफिकल्ट नहीं था ए एंड बी को पहचानना। नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग एपोप्लास्टिक पाथवे, एपोप्लास्टिक पाथवे में हमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग देखने नहीं मिलती, यह सिम प्लास्टिक पाथवे था। सबको याद है मैंने बताया था आपको कि एपोप्लास्टिक को सिम प्लास्टिक पढ़ के जाते हैं, फॉर श्योर है, फॉर श्योर। लिवर पिलो आर टू स्टेटमेंट्स, मेंडल स्टडीड सेवन पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स इन द पी प्लांट एंड प्रपोज कॉज ऑफ इनहेरिटेंस, एकदम सही स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड कैरेक्टर देखने किए मेंडल ने, ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, राइट, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट, राइट। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। प्रोडक्शन ऑफ कोकोबर हैज इंक्रीज मैनीफोल्ड इन रिसेंट ईयर, पता है अपने को डिफाइलिंग काम करता है फीमेल फ्लावर ऑफ कुंभर में, डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने जो बताया था उसी में से आया है, राइट। सेक्शन बी में आता है प्लस माइनस बोला गया है, मतलब आंसर मिल गया प्रिडेशन। जेनेटिस्ट यूज किया है अप्रोच फॉर सीक्वेंसिंग, सीक्वेंसिंग वर्ड देती है मतलब बता दिया सीक्वेंस ए नोटेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में से एक क्वेश्चन है। occurs due to presence of autosomal link, कल ही बताया था autosomal link dominant myoclonic dystrophy, ठीक है, will accelerate phosphorus cycle, weathering of rocks, find out the correct, इसको पढ़ना पड़ेगा, चलो फटाफट से पढ़ते हैं, फटाफट से इसको पढ़ते हैं, 200 लाइक कर दो फटाफट। लेसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ग्लाइकोलिपिड, नहीं फॉस्फोलिपिड है, स्टेटमेंट गलत हो गया। सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रोड्यूसेस वन और मोर आपका स्थिर हो गया, फिर ए वाले से हर ऑप्शन हटा दो भाई साहब, भाई साहब ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, सी डी ई वाला ऑप्शन बन गया, खत्म, ऑप्शन डी। फॉल्स ट्रू होने की थैलेमस नहीं है, तो आंसर होगा थैलेमस, मेक सीड फॉल्स ट्रू, थैलेमस ये सी डायग्राम डायरेक्टली एनसीईआरटी में से है। पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए, पता है मैंने पढ़ाया था आपको पैलिंड्रोमिक, ठीक है, पैलिंड्रोमिक में क्या होना चाहिए, जब अपन दोनों को 5 प्राइम लिखे और 3 प्राइम 3 प्राइम, तो दोनों सीक्वेंस एकदम एग्जैक्ट आएंगे, ठीक है, दोनों सीक्वेंस एकदम एग्जैक्ट आएंगे, देखते हैं ये 5 प्राइम जी ए ए टी टी सी, जी ए ए टी टी सी थर्ड ऑप्शन, 5 प्राइम जी ए ए टी टी सी 3 प्राइम, 5 प्राइम जी ए ए टी टी सी 3 प्राइम, दिस फॉर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। गिवन फिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, अदर लेबल्ड एज रीजन। असर्शन मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, असर्शन डज नॉट होल्ड गुड फॉर जीन्स, इट आर क्लोज लिंक, यहां पे इसको कहते हैं लिंकेज, इसको कहते हैं एकदम सही स्टेटमेंट है, क्लोजली लोकेटेड जीन्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, नहीं वो लिंकेज शो करते हैं, ये गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट, राइट, ए इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, फोर्थ ऑप्शन, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, 144th क्वेश्चन पे आओ फटाफट। एंटायर फ्लीट ऑफ बसेस, ठीक है, इन दिल्ली वर कन्वर्टेड टू सीएनजी
एक रेफरेंस लीजिए जो कॉन्वर्जेंट इंडेक्स फॉर द सेम डीजल इंजन इज यूजिंग सीएनजी वर्सेस मेरी क्या कॉस्ट ऑफ फंक्शन हो गलत ठीक है व्हाट इज द रोल ऑफ लास्ट वेंडर स्ट्रेस लास्ट वेंडर स्ट्रेस क्यों होता है क्योंकि नंबर ऑफ कोरोना ज्यादा देखो मैंने कहा था थ्री फोर प्लांट से दो क्वेश्चन आने आ गए ठीक है ट्रांसपोसोन्स कैन बी यूज ब्रेन फिल्टर कर लें ये थोड़ा सा आप कह सकते हो आउट ऑफ एनसीईआरटी और बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगा होगा तो ट्रांसपोसोन्स होते हैं जीन साइलेंसिंग के आगे बढ़ेंगे फटाफट से मैथ्स पर भी स्पाइरो वगैरह ये सब फटाफट मैंने बता दिया क्या है फटाफट बताओ ठीक है पढ़ाया था ये स्पाइरो वगैरह मतलब अलगी हो गई और अलगी में क्या होता है हैप्लोइड कैसे कर तो डोमिनेंट हैप्लोइड प्री लिविंग गैमेटोफाइट राइट तो ये हो गया ए का हो गया टू ये ऑप्शन है फर्न फर्न अपने पास है डेंड्रोफाइट इसमें क्या होता है डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट विद गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथेलस ठीक है फर्न का हो गया थ्री बी का थ्री साइकस का डी का हो गया वन थर्ड ऑप्शन A का 2, B का 3, C का 4, D का 1. आगे बढ़ेंगे. 148. Addition of more solutes. जितना solute add करोगे, उतना ज़्यादा negative होते जाएगा potential. तो water potential lower होते हुए जाता है. The anatomy of spring mood shows some peculiar features. Identify correct fit of spring mood. Spring mood को कर्ली mood कहते हैं एकदम सही. इस स्प्रिंग बोर्ड कैंबियम वर्सेस डायलम एलिमेंट विद नैरो वेसल नहीं होते ब्रॉड वेसल होते ठीक है लाइटनिंग कलर होता है स्प्रिंग बोर्ड अलोंग विद पटम मोड शो रेजोनेंस एकदम सेफ और लोअर डेंसिटी होती है तो बी ऑप्शन नहीं होना चाहिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता ये ऑप्शन नहीं हो सकता ए सी डी ये सारे सही होंगे थर्ड ऑप्शन राइट डीकोड का देख लो डीकोड वीडियो की लग गई नहीं डीकोड वीडियो को देख लो ठीक है डीकोड वीडियो से मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैथ्स में मिलेंगे डिफॉल्ट वीडियो से तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चन मैच होते हुए मिलेंगे जो तुमने पढ़ाई की होगी ठीक है मैक्सिमम क्वेश्चन डिफॉल्ट से है मैक्सिमम क्वेश्चन तुमने कराए थे क्लास में उसमें से है ठीक है बट आपको पढ़ना तो चाहिए उसके लिए जो डिकोड में बताया था अगर टेलीग्राम पे जुड़े हुए थे तो तुमको पता होगा कि रेगुलर में टॉपिक दिए थे पूरे पर वहीं से अगर आपने वो डिफॉल्ट वीडियो भी कर लिया होता तो भी आप निकल गए होते ठीक ठाक नंबर से ठीक है जितना एक्सपेक्ट किया उतने से ठीक है डिकोड में क्या होता है केमिस्ट्री देख लो फिजिक्स में जो बताया था वही तो वही टॉपिक से क्वेश्चन है बायो में देख लो मैंने कहा था सी फोर से आएंगे दो वायर मैंने कहा था पॉपुलेशन इंट्रैक्शन से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे दो वायर मैंने कहा था आपका एग्जैक्ट कि साइक्लोस्पोरिन कल ही क्लास में बताया था मैंने कि साइक्लोस्पोरिन पे क्वेश्चन आएगा बताओ कहा था कि नहीं ठीक है कल जिन्होंने क्लास की उनको पता होगा मैंने कहा था साइक्लोस्पोरिन से पक्का पक्का क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन आया ठीक है पक्का पक्का क्वेश्चन है पीवाईक्यू करवाए थे जो इतना क्वेश्चन है बहुत सारे पीवाईक्यू मैंने ये तो कहा था अगर आप देखोगे मेरे डिकोड वीडियोस भी या फिर कल का क्लास भी मैंने कहा था कि क्रोमोसोम के ऊपर ये मैंने 10 बार एक्सप्लेन किया है ये मैंने 10 बार एक्सप्लेन किया है ठीक है पढ़ोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा सिंपल चीज है पढ़ोगे नहीं तब रिजल्ट देखने नहीं मिलेगा तुम कितना भी वीडियो देख लो डिकोड वीडियो कर लो मेरी किसी की भी वीडियो कर लो ठीक है पूरे पर वही से नहीं आता बट मैक्सिमम क्वेश्चन वही से आया है एटलीस्ट आके देख लो कि कहां से कौन सा क्वेश्चन आया है देखने मिल जाएगा तुम्हें भी ठीक है देखने मिल जाएगा तुम्हें भी कि कितने क्वेश्चन डिकोड से आए कितने क्वेश्चन कहां से आए हैं ठीक है बट पढ़ना पड़ेगा उसके लिए पहले यार तुम बस टॉपिक के नाम देखते जाओगे फिर एक्सपेक्ट करते हो क्वेश्चन बन जाएंगे नहीं बनेंगे ठीक है मैंने कहा था क्वेश्चन आएगा ही आएगा पॉलिनेशन के ऊपर आया क्वेश्चन ठीक है क्यों क्योंकि यार इतना एडजस्ट कर रखा है हमने पता होता है कहां से क्वेश्चन बनने की हाई पॉसिबिलिटी है ठीक है चलो 150 मार्क कर लो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स क्या होता है फॉर्मिंग टू इक्वल वी शेप ए का हो गया 3 एक्रोसेंट्रिक में क्लोज टू 1 एंड फॉर्मिंग एक्सट्रीमली लॉन्ग बी का हो गया 1 ए का 3 A का 3, B का 1, यही सा आंसर मिल जाएगा देखो मार्क नहीं करना पड़ रहा सेकंड ऑप्शन ठीक है बढ़िया
आगे बढ़ेंगे, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन 100 ml ऑफ ऑक्सीजन ब्लड कैरी करता है, सेम क्वेश्चन कर पाए तो 5 ml ऑफ O2, 5 ml ऑफ O2 नाइट्रोजनस बेस इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पेलेट फ्रॉम पेज बाय पैवो। कल क्लास में बताया था मैंने आपको RBLI किस किस को ट्रिक याद है, कल क्लास में बताया था मैंने आपको RBLI, मैंने कहा था यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आएगा RBLI मतलब ब्लड पैलेट बर्ड लैंडस्लेस एंड इंसेंट, ठीक है तो बर्ड है पैवो दोनों क्वेश्चन पहले ही डिस्कस कर रखे हैं जो मैं बता रहा हूँ। D option, right? Next of all, the following is not the function of conducting part of respiratory system. Conducting part का function नहीं है, ये काम है exchange part का, O2 और CO2 का exchange है diffusion, ये किसका काम है, ये काम है आपके conducting part का नहीं, आपके exchange part का। Given below are two statements. Coagulant is formed when enterococcus को पढ़ाया जाए थ्रोम्बिन नहीं फिब्रिल्स, फिब्रिल एक फाइबर लाइक नेटवर्क बनाते हैं, तो ऑप्शन स्टेटमेंट वन गलत है, स्टेटमेंट टू स्प्लीन ग्रेवियर या आरबीसीएस का एकदम सही, स्टेटमेंट वन सही है पर स्टेटमेंट टू इज करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 रेड। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असम्पशन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन, ऑस्टियोपोरोसिस से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है ऑस्टियोपोरोसिस से भी क्वेश्चन आएगा, दिस इज एकदम राइट। सेकंड रीजन, कॉमन कॉज इज डिक्रीज इन द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, इंक्रीज नहीं, ठीक है डिक्रीज इन द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, तो ए सही है बी गलत है, एसेंशियल इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग, डी ऑप्शन ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। Given below are two statements. Mycoplasma can pass through less than 1 micron per cell. एकदम सही, ठीक है mycoplasma की साइज होती है 0.3 micrometer, तो वो 1 micrometer से पास कर ही सकती है, ठीक है mycoplasma और bacteria with cell, ओ माय गॉड mycoplasma और bacteria with cell wall, नहीं हमने पढ़ा था without cell wall, मैंने अगर आपको याद हो कल बताया था mycoplasma से भी पक्का क्वेश्चन आएगा और वो आया, ठीक है तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। डिहाइड्रेशन मैक्रोज बनना है डिहाइड्रेशन से, तो C12H22O11 डायरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। रिगार्डिंग मियोसिस कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, क्या हो गया करेक्ट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग मियोसिस, फोर हाइपोइड सेल्स एकदम सेम, टू स्टेज एकदम सेम, डी इन रेप्लिकेशन ऑपोजिट एस फेज ऑफ मियोसिस टू, नहीं डी इन रेप्लिकेशन बस एक ही बार होता है, डीएनए रेप्लिकेशन बस एक ही बार होता है और वो होता है मियोसिस 1 के वक्त, मियोसिस 2 के वक्त नहीं होता। आगे बढ़ेंगे, नेचुरल सिलेक्शन एक एंड पीक कर रहा है मतलब डायरेक्शनल, ये भी कराया हुआ है। जीन थेरेपी एडेनोसाइन डीएनए डेफिशिएंसी ये क्यों करते हैं, क्योंकि ये इमॉर्टल सेल्स नहीं होते, अगर ये इमॉर्टल होते तो ये मरते ही नहीं, तो जरूरत ही नहीं पड़ती कराने की, ठीक है। ड्रोसोफिला में निकालना है अपने को, तो 8/80 कर लो आंसर आएगा 0.1,
इन द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज व्हिच हायरार्की अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट इन केस ऑफ एनिमल्स, किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ऑप्शन नंबर 2, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द डीएनए नोन एज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। बिल्कुल सही, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए स्ट्रैंड लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर। एकदम सही, दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर 2, किस किस को सही किया ये? अभी तक कितने गलत है, अभी तक कितने गलत और कितने सही है? फटाफट, ठीक है, बहुत टाइम सेव कर रहा हूं, फटाफट देख लो यार। ब्रीडिंग क्रॉप विद हायर लेवल्स ऑफ विटामिंस एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन्स एंड हेल्दियर फैट्स इज कॉल्ड एज द बायो फोर्टिफिकेशन। आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेशन। एग्जैक्ट क्वेश्चन कराया था, साइक्लोस्पोरिनेट, ट्राइकोडर्मा, पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा, पॉलीस्पोरम। करेक्ट मैच फॉर डिजीज एंड इट्स सिम्पटम्स, ये करेक्ट मैच है आर्थराइटिस, इंफ्लेम्ड जॉइंट्स। ठीक है, एक गलत क्यों भैया? मैं कल ही गया था, प्लीज पढ़ लेना। ठीक है, इन पांचों डिसऑर्डर का नाम मैंने टेलीग्राम पे दिया था, मैंने कहा था इसको प्लीज पढ़ लेना, और मैंने नहीं पढ़ा, वो चार नंबर दबा के आ गए। 10 मिनट का काम नहीं था, 4-5 मिनट का काम था। मस्कुलर डिस्ट्रोफी ऑटो इम्यून नहीं होती, जेनेटिक डिसऑर्डर होती है, और हमारी सीनियर ग्रेविटी से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे लोग CA++ ले रहे हो। स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनकरेक्ट, एसटीआर आर टाइप्स ऑफ लिपिड, एकदम सही। आरईआर आर अटैच्ड टू ईआर, ओके, एसटीआर इज ब्लड ऑफ राइबोसोम, एकदम सही। इन प्रोकैरियोट्स प्रोकैरियोट कुछ भी नहीं होता, ठीक है, ना आरईआर होता है ना एसटीआर होता है, तो ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू सेमिनिफेरस स्पर्मेटिकस परमिशन, एकदम सही। स्पर्मियोन जिससे पुष्पक में स्पर्म इन फ्रॉम, गलत, ठीक है, इसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, तो ये गलत है, मैं करवाया हुआ क्लास में, तो 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, ग्रेट, आइडेंटिफाई द असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, पेनिसिलियम, कोनिडिया, टिक कर दो, खत्म। ई कोलाई की बात कर रहा है, लैक्टोस डाला गया है, जिन्होंने मेरे लैक प्रोग्राम का वीडियो देखा हो, बायो हार्ड नहीं था, ठीक है, बहुत डरो, बायो हार्ड नहीं था, लेंदी था। ठीक है, अगर आपने बायो को 1 घंटे 15 मिनट दिया, सारे ऑप्शन ऐसे पढ़े होते हैं, सब कुछ एनसीईआरटी से था, जो पढ़ाया है उससे था, और जो पीवाई कुछ करवा है, क्वेश्चन करवा है, कंप्लीट उसी से था। ठीक है, यहाँ पे जेड बाय है मिली ट्रांसक्राइब, टेंगना एंड कॉकरोच मैंने पढ़ाया था, टेंगना एंड आपके फोर विंग्स एंड हिंड विंग्स जो होते हैं, टेंगना आता है मिसोथोरैक्स, और आपका फोर विंग्स और हिंड विंग्स आता है मेटाथोरैक्स, तो आंसर हो गया डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन कॉकरोच से। Following animal tries to track the additional chambers crop and desert, birds की बात कर रहा है, parvus, tachina and parvus, direct question, ठीक है, option A. Next, are true for spermatogenesis but not hold true for oogenesis, it results in the formation of heterogamy, दोनों करते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो गया। Differentiation of gamete occurs after completion of meiosis. ये भी दो गलत है। मियोसिस ऑकर्स कंटीन्यूअसली इन मेटाफिजिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन, दिस इज कंट्रोल्ड बाय एंट्री, गलत है ये, एंट्री सही है, ये दोनों में सही है, दोनों में सही है। इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, नहीं गलत है ये, तो सही बस डी लग रहा है, डी और सी, सी और डी लग रहा है सही। Given below, कौन सा इसमें फोर्थ, बी डी ई, नहीं यार, डिफरेंस नॉट होल्ड
ओकोजेनेसिस। एक मिनट रुक जाओ, वापस देखते हैं, ठीक है। रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, ये दोनों के लिए, तो ये तो पक्का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये भी दोनों के लिए, तो ये भी पक्का नहीं है। इनिशियल प्यूबर्टी, हाँ ये सही है, सही है, सही है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज इनिशियल प्यूबर्टी, बट ओजेनेसिस इज इनिशिएटेड इन द एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, तो ऑप्शन विल बी बी डी एंड ई, राइट राइट, ठीक है। चलो गिवन किलो आर टू स्टेटमेंट्स, फैटी एसिड फ्रॉम ब्लड एब्जॉर्ब जर्म से, फिर हम उसको एब्जॉर्ब करते लैक्टिक लैक्टियस के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ काइलोमेकोजम से, वो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन टू, राइट। लिपेस लूप कल बताया था क्लास में, लिपेस लूप इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज डायरेक्टली एज नॉन मेडिकेटेड आयोडीन, द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट परफॉर्मड बाय सेक्रेशंस, डायस टैगर को डाइजेस्ट नहीं करते हम, बस पॉलीसेक्राइड डाइजेस्ट करते हैं माउथ में। डायसेक्राइड तो बनता है, डायसेक्राइड मतलब क्या, मैल्टोस, नेक्स्ट लेवल। फॉलिक इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, न्यूरोग्लिया दिख रहा है, डेट्रिफोर्स इसको क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन, डेट्रिफोर्स ब्रेक डाउन डेट्रिटस into smaller fragments, detritus break down detritus into smaller fragments, then क्या कहते हैं, fragmentation, नाम में ही है particles, fragment, fragmentation। Let the indirect statement with reference to mitosis, splitting of centromere opposite endosome से, at all the chromosomes एकदम से, spindle fibers centromere पे attach नहीं करते, kinetochore को attach करते हैं, आंसर आ गया 3.3 10 पावर 9 बेस पेयर्स, 3.3 10 पावर 9 बेस पेयर्स। क्लियर, क्लियर। एट व्हिच स्टेज ऑफ लाइफ द ओजेनेसिस इनिशिएटेड, ओजेनेसिस प्रोसेस होता है एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के वक्त, देन नॉट अ डिजायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर का डिजायरेबल वेक्टर ये नहीं हो सकता, not presence of two or more replication sites, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, incorrect statement regarding synapses, incorrect क्या है, impulse transfer across chemical synapse, chemical synapse में faster नहीं slower होता है, option one, the membrane of this कभी तो हो गया, statement related to human insulin, let's see, pro hormone insulin contains extra stretch of C peptide, बिल्कुल सही, क्या लगता है इसमें क्या होना चाहिए, ए बी डी, ए बी डी, ठीक है। इसमें यार थोड़ा डाउट लग रहा है, इसका क्वेश्चन एक बार देखना क्या दिया है, थ्योरेटिकली इंजीनियर बोल रहे हैं, ठीक है, तो सी नहीं होगा, ए बी डी होगा, ए बी डी होना चाहिए इसका। 177 ऑप्शन डी कह रहे हो, 177 का आ गया, सिंस स्ट्रक्चर लिमिटेड द लैक्टियस कैरी काइलोमेकोजम सिंथेटिक सो देन अल्टीमेटली इनटू ब्लड, 177 सॉरी, हां डी, डी कर दिया मैंने, डी कर दिया इसका, ठीक है। अब वो एक दिक्कत थी वो समझ गया, राइट। एक बार 188 अपन होल्ड पे रखते हैं, मेरे ख्याल से तो एबीडी होगा,
नॉट द इफेक्ट्स ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन, इफेक्ट नहीं है स्टिमुलेट प्रोसेस ऑफ ऑब्जॉर्प्शन, इफेक्ट है कैल्शियम हाइपरकैल्सेमिक है तो इंक्रीज करेगा, ये गलत। रिसॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम प्लस प्लस बाय रीनल ट्यूब्यूल्स, एकदम सही। देखिए ना रिसॉर्प्शन कैल्शियम प्लस प्लस डैश इंक्रीज करता है, तो गलत। इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो यहां पे आ गया अपने पास नॉट द इफेक्ट्स, तो बी एंड डी एंड ई इफेक्ट नहीं है, ये इंक्रीज या डिक्रीज करता है, राइट। कुछ गड़बड़ हुई है, मोस्ट एप्रोप्रिएट नॉट द इफेक्ट ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन, ए नहीं होना चाहिए, ई नहीं हो, ए नहीं होना चाहिए, सी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहां से आपको बी डी ऑप्शन थ्री बी डी ई, ठीक है। ऐसे आपको नीट में सॉल्व करना पड़ता है। इस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स इधर होमोलोगस नहीं है, एनालॉगस है, होमोलोगस नहीं है ये तो एनालॉगस है। स्टेटमेंट इज करेक्ट, इंक्रीज पेंगुइन प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग ऑफ एकदम सही, ए बी नोड इंक्रीज प्रोसेस क्लोजिंग ऑफ सेल नहीं, वेंट्रिकल जो बढ़ता है क्लोजर नहीं होता, ओपनिंग होती है, ए बी नोड जनरेट नहीं करता, ऐसे नोड जनरेट करता है। तो डी का हो गया टू, डी का हो गया टू, यही ऑप्शन बचा। बी का थ्री ग्लोबुलिन एंटीबॉडीज, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिंस, स्टेरॉइड का हार्मोनल भी होता है, हार्मोनल स्टेरॉइड होता है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉट स्पेसिफिक, स्पेसिफिक होती है खत्म। मैंने आपको कल रात को बताया था कि पक्का क्वेश्चन आएगा इम्यूनिटी के ऊपर, कितने लोग पढ़ते रहते हैं इम्यूनिटी को प्रॉपरली, कल रात को मैंने बताया था, कल आपको जब मैंने बताया था तो कितने लोग इम्यूनिटी प्रॉपरली पढ़ के गए थे, किसने पढ़ के गए थे उनका फायदा हो गया। यहाँ पे मैंने ये करना सिखाया था, एक क्लास में जिनको याद हो, ठीक है, कि एन 15 लेके एन 14 लेके कैसे करता है, पूरा इसका मेथड होता है प्रोसेस का, 20 मिनट 40 मिनट 60 मिनट और अब तक 60 मिनट पूछा है, तो 60 सेल रहेंगे, इसको एक्सप्लेन अभी नहीं करूंगा बट बाद में कर दूंगा, मैंने अभी जैसे आंसर निकाला है, ठीक है। तो ये करेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट क्या, माइक्रोप्लाज्मा हैव डीएनए राइबोसोम्स एंड सेल वॉल, गलत। सर्वेक्टरल ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म स्किन के मॉडल से, ठीक है, ये मैंने आपको करना सिखाया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्रैश कोर्स में मैंने लिंकेज में सिखाया था कैसे करते हैं, इसमें ए आएगा फिर बी आएगा फिर सी आएगा फिर डी आएगा, ठीक है। ये रोडा 29 आता है, इस तरीके से करोगे तो आंसर मिल जाएगा तुम्हारा, ए ए सी ए सी बी डी, ए सी बी डी, राइट, यही आता है। चलो देन ऑप्शन ए, ये तो 10 बार करवाया मैंने, ठीक है। टाइप का में क्या होता है आपके, मैं पहली बार कर रहा हूँ, जिनके पहले ठीक है, कवर तक सर्विक्स ए का होगा 4, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इनहिबिट ओस्ट इम्प्लांटेशन, बी का हो गया 1, इंट्रायूटराइन डिवाइस इंक्रीज स्पर्मेटोसाइटोसिस, सी का हो गया 2, लैक्टेशन अमेनोरिया एब्सेंस ऑफ, डी का हो गया 3, आंसर 3 बन, ए 4 बी 1 सी 2 डी 3, ठीक है। आगे बढ़ेंगे फटाफट से, ये सवाल ब्रोंकियोस पढ़ा रहा कुकिंग के अंदर 10 एक दिन पहले ही, सीलिएट एपिथेलियम गॉबलेट सेल ग्लैंडुलर एपिथेलियम टेंडन डेंस रेगुलर एडिपोस ग्रोथ कनेक्टिव, तो ए का 4 बी का 3, आंसर मिल गया 2, ऑप्शन 2 है इसमें। कलर फैक्टर्स के ना, तो ये क्वेश्चन कल परसों ही करवाया था, ठीक है, कल परसों ही करवाया होगा, xc / xc xc ये करोगे तो इसका 100% क्वालिटी है, वो तुम्हें कलर गाइड मिलने वाले 100%।
स्क्रबर में एग्जाम पास करते हैं चार नहीं होते, ये गलत है ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय स्क्रबर बट कैन बी रिमूव्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, मेरे ये दोनों गलत है, दोनों गलत होंगे ठीक है। पीएम लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर रिमूव ही नहीं करते ठीक है, तो बोथ आर रॉन्ग राइट। चलो खत्म, लाइव सेशन खत्म हो गया, होप करता हूं कि सेशन थोड़ा सा बोरिंग था बट जल्दी खत्म हो गया ठीक है। हार नहीं मान लिया, चेक करो सब लोग इसके नीचे अपना बायो का स्कोर, ड्रॉप स्कोर कमेंट करना ठीक है, और लेट्स सी क्या करना है क्या नहीं, डिसीजन लो आज बैठ के क्या करना है भैया, अगर सेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा तो क्या करें, नहीं हो रहा तो क्या करें, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, चलो ठीक है।